बोलो सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है परमेश्वर की महिमा की वाणी का पाठ प्रकाश हो रहा है, सभी दरबार साहब के सामने आकर के लाभ उठाएं। सर्वसंगत से पुनर्निवेदन है परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ प्रकाश हो रहा है, सभी सदग्रंथ साहिब के सामने आकर के लाभ उठाएं। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गुरु रामदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की सत साई। गरीब नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोत्तम प्रणाम। आगे पीछे मत जिनको नर आकार निर्विषम काल जाल बैभंजनम निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुबेसुन दुनम सोहम सकल समाना नीरतल है उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य सुमर सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ चरण कमल लोलाऊ आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धि दाता सोई कत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु ऐसा शेष शेष मुख गावे पूजय आज गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जी पावे तेतीस कोटि अधारा जावे शेष अठासी उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी तेतीस कोटि अधारा उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी सत साहिब। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब तेरे आग साहेब मेरी विनती सुनो गरीब नवा जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज गुरु जी तेरे आग साहेब। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवा मदर पिदर करीम तू पुत्र पिता को लाज गुरु जी गे। हम विनती करते जी गुरु
साहब मेरी बीनती कर जोरों करता तन मन धन कुर्बान जा दीजो मोहे दीदार गुरु जी तेरे आग साहेब विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब मालिक मीरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवा पंजा रखो शीस पर जम नहीं होत तेरा से गुरु जी तेरे आग साहेब ती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब मीरा मोप मेर कर मैं आया तक श्याम समर्थ तुम्हारे आसर बंदी जाम गुलाम गुरु जी तेरे आग साहेब हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग मैं समर्थ के आसर दम कदम करता गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी तेरे आग साहेब गुरु जी तेरे साहेब तेरे अविनाशी के आसरे अजरावर की श्याम अर्थ धर्म कम मोक्ष होई समर्थ राजा राम गुरु जी तेरे आग साहेब गए हम विनती करते जी तेरे आग अर्ज आवाज अनाथ की आजज के अरदास आवण जाना बेटियो दीजो निश्चल बास गुरु जी तेरे आग साहेब विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब अट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बा सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार गुरु जी तेरे आग गए हम विनती करते जी गुरु जी जुगन जुगन के पाप सब युगन युगन के मैल जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल गुरु जी तेरे आग साहेब हम विनती करते जी गुरु जी तेरे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी तेरे आग साहेब हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग साहेब अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीब दास शरण लगा कटो यम फांसी गुरु जी तेरे आग साहेब हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी
गरीब दास शरण लगा, काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आग, हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग सा, हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आग सा, मारे उवा पाठ प्रकाश बधाई मैं बाटूंगी, मारे उवा पाठ प्रकाश बधाई मैं बाटूंगी, मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी, आए साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी, मारे हुआ गरीब दास बधाई मैं, मारे आए गरीब दास बधाई मैं, मारे आए राम देवानंद बढ़ाई मैं बाटूंगी, मारे आए स्वामी राम देवानंद बधाई मैं बाटूंगी, मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई अमर लोक से चल कर आए, अमर लोक से चल कर आए, भव बंधन से जीव छुड़ाए, भव बंधन से दे मंत्र सतलोक पठाए, दे मंत्र सतलोक पठाए, ये देते निश्चल वास बधाई मैं बाटूंगी, मर हुआ पाठ प्रकाश बधाई मैं बाटूंगी, पाप पुण्य को हर दम तोलूं, पाप पुण्य को दुश्मन मैं कहती डोलूं, घर घर मैं कहती डोलूं, दुश्मन मीत सभी से बोलूं, दुश्मन मीत सभी नु तुम करियो आवण की खास बधाई मैं बाटूंगी, मारे हुआ पाठ बधाई मैं बाटूंगी, मारे भक्त महात्मा आवेंगे, मारे भक्त महात्मा आवेंगे, वो गुण साहिब के गावेंगे, वो गुण साहिब के गाव, हे मारे भरम भूत मिट जावेंगे, मारे भरम भूत जावेंगे, फिर ओवे नाम विश्वास बधाई मैं बाटूंगी, हे मारे हुआ पाठ बधाई मैं बाटूंगी, नगर निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब आपस के मतभेद भुलाना, आपस के मतभेद भुलाना, कोई दिन में सबको चला जाना, कोई दिन में सबको चला जाना, या झूठी जग की आस बधाई मैं बाटूंगी, मारे हुआ पाठ बधाई मैं, दुख मेटे और सुख का दाता, दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है आप,
जब चाहे चोला धर आता, जब चाहे चोला धर आता, हुआ सुल्तानी कखवास बदाई में बाटूंगी ये मारे हुआ पाठ प्रकाश बदाई में बाटूंगी। काशी में केशव बन आया, काशी में केशव सम्मन के घर भोग लगाया, सम्मन के घर से वो दड़ पर शीश चढ़ाया, से वो दड़ पर शीश कटे कर्म की फांस बदाई में बाटूंगी ये मारे हुआ पाठ पर जिस घर का ये होता पाठ जी, जिस घर का ये होता पाठ उन भगतों के हो जाठाठ जी, उन भगतों के हो जाठाठ जी, भगति ब्यो ने बारा बाट जी, भगति जिनको लगी न भजन की प्यास बदाई में बाटूंगी ये मारे हुआ पाठ पर कस बदाई में बाटूंगी। गुरु राम देवानंद गुण गाता है, स्वामी राम देवानंद गुण गाता है, दास राम पाल को समझाता है, दास राम पाल को समझा भजन बिना नहीं सुख पाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता, चाहे पृथ्वी पति हो खास बधाई मैं बाटूंगी ये मारे हुआ पाठ पर कस बधाई मैं बाटूंगी। गुरु राम देवानंद गुण गाता है, स्वामी राम देवानंद गुण गाता है, दास राम पाल को समझाता है, दास राम पाल को समझाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता, चाहे पृथ्वी पति हो खास बधाई मैं बाटूंगी ये मारे हुआ पाठ पर कस बधाई मैं बाटूंगी ये मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी, मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे आए गरीब दास बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे आए गरीब दास बधाई ये मारे आए राम देवानंद बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे आए राम देवानंद बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे होया पाठ पर कस बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे हुआ पाठ पर बधाई मैं बाटूंगी सच साहे। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़।
ग्रीब कर जोरों विनती करूं दोरों चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि पूर्ण। चरण कमल में राखियो में बंदी जन गुलाम। सुरत करो मम साईया हम हैं भव जल माई। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बां। हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है या मैं मीनन मेख। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले बहे प्रणाम तिन नमो जोग हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। हमारे परम पिता कबीर भगवान ने आकर के सुती आत्मा को जगाया है जो काल की भांग पीकर नशे में अपना जीवन नाश कर रही थी। उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोषण में और संपत्ति के संग्रह करने में अपना पूरा मनुष्य जीवन नाश कर जाते हो, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं था। ये क्रियाएं जो आप करते हो पशु पक्षी भी यही करते हैं, फिर मानव शरीर के मिलने का उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी, ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते और उस ज्ञान को आगे कुछ अज्ञान बना करके काल के दूत काल के संत प्रेरणा तो करते रहते हैं लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान नहीं है वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है, औषधि है नहीं और है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो ज्ञान भी वो समाधान भी वो दोनों व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव से जो भक्ति भी करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी जो संत बता दिया करते थे कि इसका आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं था, तो परमात्मा ने आके के समाधान भी बताया है और ये तत्व ज्ञान भी बताया है। क्या बताया है परमात्मा ने कि मात पिता मिल जाएंगे इस 84 माँ, जहाँ भी आपका जन्म होगा पशु कुत्ते की योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। गधे की योनि में जाओगे वहाँ भी आपको माता पिता मिल जाएंगे। पक्षी बनोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जन्म होगा वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे।
मनो शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे, लख चौरासी माँ और सतगुरु सेवा और या बंदगी, भाई फिर मिलन की ना। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कूप में, जिस कुएं के अंदर जल नहीं है, ऊपर से उसकी कितनी अच्छी चित्रकारी है और कितना चाहे पक्का स्ट्रक्चर है, यूजलेस है वो, उसका कोई लाभ नहीं, उसमें जल नहीं है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही उसका सुंदर शरीर है, यदि उसमें भक्ति नहीं, सत्य भक्ति नहीं है, तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। इसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आपके पास मानव शरीर भी है और आपको सतगुरु भी मिल गए हैं। तो फिर क्या बताते हैं कि समझा है तो सिर धर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाव। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं काल भजू और काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही तेरा समय जावेगा चाल। आज काला हाली जियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिले है जाने सब कोई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय हो जागी भाई फिर करोगे कब। आज कला हाली जियो कल किसको होई, ये तन मटी में मिले है जाने सब कोई। लक्की करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्ति घोड़े पाल की दलबल बहु साजा, वो 1,25,000 संगी गए वो रावण से राजा। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसान। अस्ति घोड़े पाल की दुलबुल बहु साजा, 1,25,000 संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर छे वो लंका छत्रधारी, बिना नाम वंश डूबे गान्यो समझावे नारी। विभीषण पद भेद दिया वो निर्गुण निर्वाणा,
रावण दुई बिसार रे तज गर्भ गुमन बढ़चक विकाल चक्कर पड़े जिन नाम बिसारा कंस के सी चाणोर से धर बाल पछारा एरना कुछ समझा नहीं प्रहलाद पड़ावे उधर बिना सा आण के तब कौन छुटावे जरा संग से मारिया और सहसरा बाहू ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू दुशासन पर ले गए वो इकोत्तर भाई दुर्योधन की देह को तन गीद ना खाई सूक्ष्म रूप धर कर किनी कबीर सहाय कृष्ण को तो महिमा दीनी है सतबाए सूक्ष्म रूप धर कर किनी कबीर सहाय श्री कृष्ण को तो महिमा केवल दीनी है सतबाए मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई अगम दीप सतलोक में तब बसा होई शेष 88 दीप में उत्पत्ति की खानी दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी पुण्यात्मा सौभाग्य आपका धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं वही अच्छी संतान होती है और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को आपको ज्ञान नहीं ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई सबको मालूम है मरेंगे पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे अप्रोक्सीमेट है अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है बेटा है या बेटी है वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अभी ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हों। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी 1 वर्ष का 6 महीने के 20 वर्ष के 30 वर्ष के कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहाली जियो कल किसको होई जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे भक्ति कर लोगे दान धर्म कर लोगे वो आपका होगा बाकी ये रेस्टोरेंट है आपने सब कुछ बना बनू का यहीं छोड़ जाना आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने जैसे हम विदेश गए हैं स्वदेश आना है तो हम विदेश की करेंसी यहाँ ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा तब वो हमारा काम आओगी ना तो कागज है एक नए पैसे का भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं ये पृथ्वी एक विदेश है काल का लोक ये विदेश है पृथ्वी उसका एक शहर समझो 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है
हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस विदेश में अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं? लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग, साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा उतना ही वो कृतघ्नी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे, सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कलर हो गए, राजा लोग क्या करते थे, चंदन को घिसवाते, नौकर चंदन घिसा करते थे, और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे, और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन की लकड़ी का बुरादा, चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती है। इसी प्रकार सेठ और साहूकार, तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को, पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है, और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया, और जब कर्म बिगड़ते इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता है, जंगलों में धक्के खाता है, तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी, और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार है। कितना सटीक उदाहरण दिया है परमात्मा ने कि जरा सा बुद्धि से काम ले मानो, अगम निगम को खोज ले, अपने भविष्य को विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज में लो तो वे नाम बिगार। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बिगार। अब बिगार तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले 1960 के बाद 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई, फिर ये 3-व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े जिनको 3 पहियों वाले 3-व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3-व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी?
पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह, ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का थ्री व्हीलर पकड़ लेते, कोई फोर व्हीलर ज़बरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कि तो रेड मारनी होती, कि तो शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता या क्रिमिनल आदमी पकड़ने होते, तो उनको ले जाते थे। वो पेट्रोल भी अपने पल्ले से डाला करता व्हीकल वाला, और सारा दिन उसका पहिया नहीं टिकने देते। आम व्यक्ति को तो ऐसे लगे जैसे बड़ी स्पीड से जा रहा है, कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो थ्री व्हीलर वाला, और वो फंस रहा था बेगार में। तो वो बता रहा था कि कल मैं 200 रुपये अपने घर से लगा के आया हूँ, यानी उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 भी मेरे ख्याल में कम होंगे। करता 200 रुपये का पेट्रोल अपने पल्ले से लगाया, सारे सुबह ले गए मुझे पकड़कर 6 बजे, रात के 11-12 बजे छोड़ा मुझे, 200 रुपये का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी, तो कल मैं बेगार में फंस गया। अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया, पहिया टिका नहीं, बहुत स्पीड, इधर चल उधर चल, और इनकम एक नए पैसे की नहीं थी, खर्चा सारा का सारा था। इसको कहते हैं बेगार। तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी व्यक्ति समझो, अब जब राजा को ही इसलिए लिया जाता है, बाकी अन्य नागरिक तो अपने आप अपने औकात से परिचित हो जाते हैं। जब राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी बिगाड़ कर रहा है, तो आम व्यक्ति भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो भक्ति नहीं करता और केवल माया जोड़ने में लाग रहा है। तो वो राजा पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई थी, उसके आधार से, उस पूंजी से, उसके खूब ठाठ पाठ दिखाई देते हैं, जय जयकार हो रही है, जहाँ जाते हैं माला डालने वाले और जयकार करने वाले हैं, बैंड बाजा बजाने वाले खूब हैं उसके आगे पीछे, और वो भोली आत्मा अपने पूर्व जन्म की वो बैटरी को, अपने पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर रहा है, आगे चार्जर है नहीं, यानी भविष्य की भक्ति वो कर नहीं रहा। तो वो राजा बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी को नाश कर रहा है और पल की चैन नहीं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। हाय हाय, पुणात्माओं कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं। हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पा कर रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए और चाहे प्रधानमंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है, अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है, और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको एक ज्ञान सुनने को मिला, धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है, इस दास को पता है या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया, न ये काल के दूत ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए क्योंकि अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया, ये कह करके कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, या दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई, जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, सच कहूँ जग मारण आवे और झूठ कही ना जाई हो, और सच न पूरा पावते इन झूठों जगपति आई हो। तो पुण्यात्मा, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था, उस दिन से आज तक ये दास जानता है
कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यु ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर, रामपाल गुंडा है, भुंडा है, नोना बताया, एक नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है और अपने माता पिता के कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, प्यार से फिर अपना ही तो है जो ऐसा कुछ कर रहा है, विरोध वो अपना ही था, उसी के प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए आप उनकी जीवन रक्षा के लिए, तो उसको फिर धीरे धीरे वो टेबलेट इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। लेकिन इस मार्ग के अंदर हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्ज नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी, उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बददुआ भी नहीं दी, ऐसे बद सलूक किए थे, कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपके यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे, परमात्मा की अमरवाणी से आपकी आत्मा भी भोर हो जाया करेगी, आँखों से आंसू पड़ा करेंगे। और उसके बावजूद इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आँखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, उनको परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं एक सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज दर दें, ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को मेरा विरोधी बना दिया काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है, वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं, तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और जीव का उद्धार करा दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लवा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गौ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है, इसमें उद्धार हो जाएगा इनका, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सद्भक्ति करने से, उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा, वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं ही जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता
फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक जीव को, एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से, उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और तिरहगाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु की उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे, तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन एक पौवा पिया करता और घर में पी कर शराब तो झगड़ा ही करवाती है, और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा पिया, आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए, वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुनबा गाणी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दे, जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहाँ दो बाबा जी बैठे हैं नकली, दो या तीन जैसे थे वह, तो वो मांग मूंग के लाए इकट्ठे पैसे कराया करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिला के 20-25 रुपये बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चाले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूँगा। वो ले कर एक बाज गया 25 रुपया ने, उसने अकेले ने काम चलाया। उस दिन कहा तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता इन इसे दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो। तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार।
परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है, पुण्यात्मा मनो शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हरनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट कर भक्ति करे, बुराई छोड़ दे, बीड़ी शराब मांस तमाखू आन उपासना रिश्वत खोरी चोरी जारी ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक हैं, इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी भाई फिर करोगे कब, समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव, अग गए न बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए मृत्यु होगी उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं, सतगुरु नहीं मिलते, सच्चा संत नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो जाते नरक द्वार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, है सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्भुद, ये चार प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं इनको चार खानी चार विभागों में बांटा है, चार डिवीजन बनाई है इनकी, और चार खानी में भ्रमता कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। अपन आत्मा आप तो बालक हो, आपको तो अपनी बनाई खीर मिल गई, ना दुमे माख फूटी और ना कोई आँच लग गई, आपको तो परमात्मा ये बना के धरके गए थे यो ज्ञान तत्व ज्ञान, लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों का वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल को का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का इनको समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना कर दर्गे सारा ज्ञान है, वो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है, तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपने आत्माओं बैड होता है बैड, तो बैड से गुड भी बन सकता है, जैसे चोर चोरी करता था यो ज्ञान हुआ चोरी छोड़ दी भगत बन गया, शराबी शराब पीता था शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी भगत भक्ति करने लग गया भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेटर बनेंगे, फिर बेस्ट बन जाएंगे, तो बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सत भक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंसात्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रह कर समझाने की चेष्टा करते हैं, सात समुंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय। किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी बड्डे तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लग जाएगा,
और परमात्मा कहती है उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे, धरती जितना बड़ा कागज हो, सात समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती है सब लिखते लिखते कलम घिस जा, सात समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे, ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते हैं, सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंत कट्ठी हो जाए, भूख लागे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाज़ा खुलता है गली में, ऐसे देख जा कर सीधा भागता है, किधर रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताज़ा बना रहे हो तो दाव लगा कर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता है। एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है। वो फिर कहाँ जाता है, बाहर खेतों जंगल में, जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहाँ जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अपलातून बना फिर था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को, तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे साचे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए, तब कहते हैं परमात्मा सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तमाखू भूकी सुल्फाप गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवाद छुटवादी जो हम सने पड़े थे इन गंदों में निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट, अरे ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठे। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्मा भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु एक लीला करने के लिए, और जब वो स्वयं आए थे उसमें हम यही मार खा गए थे ना, 64 लाख से सोना एक गरीब आदमी का, एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है जिस हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे आशीर्वाद देते थे उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु जो चाह वैसो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है, ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर तीन ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है। अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे, उसके साथ तो बहुत गणे बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ गए वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख चोर। तो ये परमात्मा ऊत भूत जम त्रास निवार, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुरु शरणा आए के, और धर्मराज डर कैसा, धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते, और समर्थ साथ नहीं है
तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुणात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, गले नहीं उतरी कि यूँ भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया कर जिसका सींग सांग लग रहे हों या बंदूक बंदाख ले रखी हो, अरे जो दुख आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने और ऐसी भक्ति दी आपका सारा सुख दे दिया, सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते ना यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि सिद्धि जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। हम मान्या करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर और सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता लेरी आठों हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे या बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फैल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। तो परमात्मा एक वाणी लिख कर गए हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छुट्टेगा, आपको मालूम है सबको, हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी होगी, वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त होगे, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में, आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहाँ से जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहाँ भी आप देखोगे ये दास के रूप में, वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहाँ जिस गुरु की वो शरण में हैं, तो वहाँ जाकर अपने गुरुजी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरुजी, तो अब उसके शिष्य सारे उस गुरु के पास, उसके शिष्य उस और दूसरे गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहाँ परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो, और
उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहाँ जाओगे एक त्रिकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो त्रिकुटी, जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहाँ काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहाँ जाएगा वो तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा, तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट दो मंत्र हैं इस सात मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं, इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी, फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है, तो जो सुमरण करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की, पिछले जन्म से पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती हैं। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था, उस गुरुजी ने बता रखा था कि भगवान विष्णु भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पर जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चावे तो दान कर और मोक्ष चावे भज राम, तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तेने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई, आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा, वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। जैसे आपके पास पशु हैं भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है, और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम ने दूध गढ़ा पाओगा उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त हैं तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आदर सत्कार आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए, लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं, कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है,
चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है, इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कब कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी। वह एक दिन वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी, किया भी पड़े गले में, ठीक है जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी, अब क्योंकि वो ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं दो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूँ, साथ साथ फिरता रहता हूँ जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं, आपने केवल कथाएं सुनी हैं ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान, इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी ने जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10 कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूँगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहाँ पहुँचा कराओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते, तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया, कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ, पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक खाना खिला लूंगी संत को मैं आहार नहीं करूंगी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी रही नहीं थी। 3rd दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, अग मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई तो क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी को साथ दुआ वो फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम प्रताप है। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणामय नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष, चारों युग में आते हैं परमात्मा। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आया हूँ मैं परमात्मा कहा करते, तो द्वापर में वो करुणामय नाम से आई हुई थी। अब उसने देखा या मरेगी बोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहाँ दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहाँ देखा बेचारी, उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल साधु,
गले में माला टांग रखी, दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया कि दानू महात्मा सा भी जच्चे ना, तो हमने हम महात्मा उन उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ी हो, लंबे लंबे बाल हो, तिलकला रखा हो, पांच चार माला डाल रखी हो, बिंदी बिंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वो नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवे है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर सकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के। अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूँ। तो परमात्मा ने कहा, बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आ जा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते। और हम घर जाओ और उसका पति कहे दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा है, तो उसका और पक्की जचगी कि एक नंबर का महात्मा है। नहीं तर नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो बाछड़ू की तरह भाग गया आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा। और वो उड़े डट गए, अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा, मेरा पकड़ हाथ मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दृढ़ आदमी आज पहली बार सुन रहा हूँ जो रानी को ये कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो। क्योंकि पिछले संस्कार से ही ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा, वो मालिक का चेहरा विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वह, और चरणों में मत्था टेका और कहा, महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले, चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा, महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्षीण कैसे होगी? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज तीसरा दिन आ गया महाराज जी, आप ना आते ताज में मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली, जी ठीक है भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तो परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहो वैसो करते। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा, बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया? रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा, क्या साधना करते हो कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो रानी जो थी वो ज़्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी दम दम सतगुरु जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है, जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमी हो, निंदा क्या की मैंने, तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरु जी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई, ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरु जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और अब आन लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोवा बुरी तरह नाश हो गया, 30 साल हो गए राधा स्वामी में, जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया,
बता इब टिंडे ले लो राधा स्वामी मर धन धन सतगुरु में। अब साची कहें छो माओ में गुस्सा होते थे, और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं आज उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त हैं। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर गुण भगवान के बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आप कहे समझ मा जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो फिर तो आप डूडा पाट जाएगा, परेशु में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है, परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे बता आपके गुरु ने, जी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है, कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहाँ रहूँगी, फिर कहाँ जाएगी हक पता नहीं, वह मैं बताऊँ कहाँ जाएगी, तो गद्दी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गलत, परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी, और ये आपके विष्णु जी भी नाशवान, आपके शंकर जी भी नाशवान, आपके ब्रह्मा जी भी नाशवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो, तुम नाशवानों की भक्ति करके और सथाई होने की कुचेष्टा करते हो। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदाएं कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहियो, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले, बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है, और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौकर मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते, उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूँ, मैं तेरे गुरु जी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नाशवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो? शिव जी को आप भगवान मानते हो, परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की, आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है, और जो भस्मकंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी हैं, जिनको तू अविनाशी मान रही उनसे तू रक्षा की बात देखे सुरक्षा उन, वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसुत्ता। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मान से मत मान, देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कति ना मानने जनता, परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूँ वो अजर व अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है, जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, सच कहूँ जग मानने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान जाए मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा।
और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरणा में पड़ गई। अब मौत दिखे है ना, जब जचाया खाई बुंडी बन गया दे। अक्सर दूसरा तो झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 84 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूँ मैं, अकमा मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए जो दुश्मन है तेरा, देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतने कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना, जब की गिबंध है जीव की, तब सारी मान ली। अख ठीक दीदा से आप कहोगे न्यू कर लूँगी, और मन मन में सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरु जी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा, और एक ध्यान रखना जो मैंने आपको मंत्र दिया प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले, देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊँ यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तू भावुक हो करके बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड़ रही थी, गुरुजी ने यह भी बात कही थी, तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो यो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रख, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आँख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण तार दिया, न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100-100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरु जी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती हो। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ, वो राजा की के माने, वो आ गई वापस, शुक्र मनाया रख आगे तो तेरी टलगी मृत्यु, छाटते आके लेट गई। हे भगवान, हे परमात्मा, दया करी आपने इसे गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी मना के, इतने में काल सर्प बनकर आ गया। सर्प बनकर आया और रानी के डस दिया, डसते उसकी आँख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता देखा, उसने शोर बचाया, बागियो डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली, नौकर नौकरानियाँ आए बाजे लटले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सब ने मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्ड बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी जिन देखे थे भगवान उस दिन, वह नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र साबुद बताया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी, बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की
पीड़ मिटाने वाले धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भक्त की रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार जा सत रेखा लिखी अपार सिंदूप सिला तेरे वाली जा सतरे खाल की अपार सिंदूप सिला तेरे वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाय डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाय आपने तुरंत करी सहाय बरूली मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय बरूली मंत्र सुनाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की दामोदर सेठ के हो थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज दामोदर सेठ के हो थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखी ओ गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले लाज मेरी रखी ओ गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर कह कर जोर दीन धर्म दास दर्श दे पूर्ण करियो आस कह कर जोर दीन धर्म दास दर्श दे पूर्ण करियो आस मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत पद प्राप्त करने वाली मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु कबीर भक्त की कह कर जोड़ दीन धर्म दास दर्श दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्म दास दर्श दे
पूर्ण करियो आस, मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्र मति अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की, रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या? कि राम नाम जप बिरहुली है, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूँ, लेकिन वो तो समर्थ शक्ति है, मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा कवि दचगी, गारडू भी फेल, वैद भी फेल, इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि सातवें आसमान पर होती है। पुनकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, कैसी भी कर रहा है, परमात्मा कहते हैं जय कोई भक्ति करे कपट की, और उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जो चना हो या बात। अब संत जो साची कह गया, परमात्मा समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारा हो। अर्पुणात्मा गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट गाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियाँ फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट गाना, श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगा। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापण का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसे दूसरी साधना करता था, जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुनाया वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे, तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाते ही कहता महाराज जी ठीक सो, हाँ आ जा बच्चा ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया। तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का, और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिस तरह आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी उन्हीं वास्ता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ उनको समझाने की चेष्टा करो गुरु जी, पहले जो गुरु जी थे के भक्त महाराज जी आदर से बोलो आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर या तो आप दो अरनी ताजा मेरे साथ अपना नाम लो कल्याण कराओ, इतना यारी है उनके साथ, उसे आगे दोस्ती मत रखना। परमात्मा इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल, तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि वो अपना कर लेगा काम, इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डोब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की का, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे, ना वो राजा मना करे फिर किसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको, राजा बुला लिया। परमात्मा लागे समझाने के, भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों अंगूठी सूटी लानी पड़ती है, और
मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति भक्ति करना। परमात्मा ने समझा, देखो राज भी करो भक्ति भी करो, भक्ति में क्या लगता है। आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो, वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी स्वभाव है कौन ही आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, भाई बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो, ये शराब अड़ंगा क्यों पियो। तो बहुत समझा अग्नि महाराज जी, मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूँगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह रहकर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कया करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, जो सारे खजाने लुटा दे और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह उंगा कह ऊठ चले ना और बात चलावे, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, जैसे जबरग्रस्त रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है, बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता, उसके लिए तरीका है जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लग उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेंगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं शुरू शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500-500 किलोमीटर से चलकर और 10 में दिन यहाँ आ जाते हैं, अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी, उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा सर्प प्रसाद, और अब मैं चाहूँगा जब मरेगी तू काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की, वो एक दो बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है, तेरी कार कोठी में घोड़े कोठी में दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी और ऊपर जाकर दकती तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अग्ना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारे गोरी हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी तो परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी, अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी औरों के देखने लगे, रानी मुर्गी क्या हो गया, पेरानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो वह गई, अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मानसरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मानसरोवर है, उस मानसरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहाँ रखा जाता है। वहाँ रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमज़ोर है। तो वहाँ जब मानसरोवर पर जा लिए, उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मेल, वहाँ परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आके बैठगी रानी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है, लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी ना लग की है मालिक, उसने भजन नहीं कराया, लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया, यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती हैं,
वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता, समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का, तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि अभी कमजोरी है। जैसे कल बताया था, एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पिंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया, अब दूर रहते हैं, कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा, जी मेरी साथल भी दर्द करती हैं। डॉक्टर बोला, कमजोरी है बाबा, मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी है। फिर बोला, मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला, कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया, ने बोला, तू डॉक्टर है, गम चक्कर एक के बाद जाना है, कमजोरी कमजोरी कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है, जो या बोल रही है उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा, बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा श्री राचे कावे खादू लावे गुटी किसमस बादाम और लाल चेरा। अब जो सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया ही करें न खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी। और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई, यम के दूध खड़े दिखाई दें, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस आन लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आँखों फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंत्र कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी, उस पलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूध खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मान्य था। तब रानी बोली, देख लो जी मैं क्या बताऊँ आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहाँ या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहाँ उनके चौक में, कबीर साहब के आते ही यम के दूत नहीं हो गए, एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए, और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले, भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला, जी सही बात है। तो परमात्मा बोले, अब क्या चाहिए तुझे, अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूँगा। तो अपने आत्मा अब आँख खुल आदमी की, जब पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करें ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले, 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी प्राण मिट्टी हो जाएगी। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माड़ा लेके, 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं, जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लिखित रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा, आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सत्कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था, तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा, समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है,
और उसको परिपक्व होने दो, परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा, इस सतभक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ और बार बार सतलोक आश्रम बरवाला माओ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मुकेश श्रीवास्तव। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? जी, मुझे जीवन दान दिया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। कभी मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी मुझे टाइफाइड हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, पर जब से मैं इन संत की शरण में हूँ तब से मुझे कोई ना बीमारी है, मैं ना एक पैसे की दवाई नहीं खाती हूँ। पूरी दुनिया में मैं भटक चुका था, दवाइयाँ मैंने और देवताओं की शरण में भी गया, पंडितों की शरण में गया, जैसा बोला वैसा किया, सब कुछ किया, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ था। जब से संत रामपाल जी गुरु जी की शरण में आए तब से हमारे को बिल्कुल लाभ हुआ इसमें। जब से हमने 2012 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद अभी तक मेरी मम्मा को ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है उसके बाद अभी तक ना मेरे मम्मा को ये प्रॉब्लम है ना मेरे पापा को, आज सब सही है और सब ठीक है। मेरी पत्नी को बच्चादानी पूरी तरह से खराब हो गई थी, मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया और जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई उस दिन से उसने उन्होंने उस माध्यम से एक टेबलेट भी नहीं खाई, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया। पर जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए नाम दीक्षा लिए तो दवा की जरूरत भी नहीं पड़ी, डॉक्टर के चक्कर काटना भी बंद कर दिए और सारे लाभ होने लगे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, मुझे उसके बाद मैं परेशान, काफ़ी परेशान था मैं, जाल टोना मुझे था और संत रामपाल जी महाराज शरण के आने के बाद जाल टोना जो बीमारी थी मुझे वो खत्म हो गई। उसके बाद मुझे पायल्स की बीमारी थी, पायल्स की बीमारी संत रामपाली महाराज से प्रार्थना करने के बाद पायल्स की बीमारी खत्म हो गई, ना कोई मुझे टेबलेट वगैरह लेना पड़ी। उसके बाद मुझे थायराइड की बीमारी थी जिसका मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे। मैं पूरी, मेरी बॉडी अकड़ जाती थी थायराइड से, मेरा गले में बहुत पेन होता था और फिर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और मेरी फिर प्रेगनेंसी में रिपोर्ट आई, वो पूरी नील आई थायराइड की। सर मेरे को कोरोना हो गया था और इतना भयंकर काल ने चपेट लिया था कि मेरी ऑक्सीजन लेवल 40-45 हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई गई, उसके बाद सर मेरा एक दिन में ही मतलब इतना इम्प्रूवल हो गया कि 90 ऑक्सीजन आ गई और मैं बढ़िया हो गया। परमात्मा जी ने आज पक्का मकान बना दिया है, एक अगरबत्ती का कारखाना मालिक ने खुलवा दिया है, हमारी साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी सर, और आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दो गाड़ियां हैं घर में, एक फोर व्हीलर भी है, तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया कर रखी है। अब तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि जैसे ही नाम दीक्षा ली उस दिन है और आज का दिन है, मैं जो नशा करता है उसके पास में मतलब बैठने की इच्छा भी नहीं होती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जो कि मैंने नाम दीक्षा ली थी तो उनसे अरदास लगाई कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप जब कैंसर तक ठीक कर सकते हो तो ये पत्री तो बहुत छोटी बात है, आप ये तो आसानी से ठीक कर सकते हो। तो भगत सर जी वो दिन है और आज का दिन है, वैसा पेन मुझे अभी तक नहीं हुआ। मुझे बवासीर की प्रॉब्लम हो गई हुई थी, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बीमारी पता नहीं कहाँ चली गई, ये परमात्मा ही जान सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ही जान सकते हैं। हमारे घर में सुख शांति बनी, मेरे पापा जो कि इतना नशा करते थे, दिन रात दारू में धुत रहते थे, अब मेरे पापा जमी भी कोई भी नशा नहीं करते, ना कोई जर्दा, ना कोई दारू, ना कोई बीड़ी, ना कोई सिगरेट, इवन कि यहाँ तक कि हमारे दुकान है हलवाई की, वहाँ पर भी अगर कोई ऐसे करते तो पापा उनको भी रोकते हैं, इतने सारे लाभ हुए। दो बार मेरी माता बेड पे ही डेड हो गई और मैंने उसको दोनों बार मैंने अपने हाथ से नीचे उतारा और संत रामपाल जी का दिया हुआ प्रसाद हमने माता जी को ग्रहण कराया तो माता जी ठीक होगी।
तो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए, बस इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं, नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाड़ रुले होते। संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे आए हुए हैं और शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, इसलिए उनका सत्संग सुने, उनको ज्ञान सुने, उनका मिलान करें कि वो शास्त्र में क्या लिखा है और किस आधार से हमें नाम दीक्षा देते हैं, और हमें उनके सारे जो नियम हैं वो समझना चाहिए कि क्या नियम है उनके और कौन सी साधना वो दे रहे हैं, इसलिए अब उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।